फ्रेंड्स, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे आ रहा है, तो ये कॉम्बो मैं वर्ल्ड के सभी बच्चे को डेडिकेट करती हूँ। तो सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड ईजी। फ्रेंड्स, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे आ रहा है, तो हम एक पूरा कॉम्बो रेडी कर रहे हैं, जिसकी ये पहली रेसिपी है डोरा केक। इसके ये इंग्रेडिएंट्स है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो चलो हम रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने छाना हुआ ये मैदा लिया है, जो 1 कप है। उसमें मैंने 1/2 कप पीसी हुई चीनी मिला दी है। 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैं उसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सॉल्ट भी डाल। अब हम इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून हनी डाला है। ML मैंने ऑयल डाला है। वन टीस्पून मैंने वेनिला एसेंस डाला है। अब ये वॉर्म मिल्क डाल के मैं उसका बैटर रेडी करूंगी, लेकिन वो दूध मुझे एक साथ नहीं डालना है। मैं ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डाल के मतलब पैनकेक्स जैसा बैटर मुझे रेडी करना है। तो अब हम मिल्क डालेंगे। फ्रेंड्स, देखो ये पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला डोरा केक का बैटर मैंने रेडी कर दिया है। अब इस वे से हम डोरा केक बनाएंगे। थोड़ा ग्रीस करके बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। कुछ भी करना नहीं है, बस ऐसे ही डालते जाइए। फ्रेंड्स, देखो ये हमारा डोरा केक रेडी हो गया है। अभी हम वैसे ही और भी बना। बैसल रेडी हो गया है। हम फ्रेंड्स अभी इसे हम ढक देंगे और 2 मिनट तक होने देंगे। फ्रेंड्स देखो अभी और अभी उसको फिर से ढक के 2 मिनट तक होने दें। हाय फ्रेंड्स, चिल्ड्रन डे स्पेशल की अभी हमारी ये दूसरी रेसिपी बनने जा रही है, वो है फ्रेंच फ्राइज। और वो बिना झंझट के मैंने कैसे बनाया वो मैं रेसिपी के दौरान आपको बताऊंगी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 2 बड़े आलू लेके कुकर में उसको बॉईल कर दिया है 2 विसल तक। लेकिन क्या करना है, उसका पूरा बॉईल नहीं करना है, 50% बॉईल करना है। वो मैंने कैसे किया वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट बहुत ही कम, और ये सर्विंग के लिए मैंने पेरी पेरी मसाला लिया है। तो क्या करना है, पहले एक बॉल में कॉर्न स्टार्च लेकर उसमें सॉल्ट और पेपर डाल के उसको बराबर मिक्स कर देना है फॉक की मदद से। उसको तो
करते हो ना तो क्या करने का, नीचे एक छोटा सा बर्तन रखने का, उसमें पानी नहीं डालना, सिर्फ आलू रख के उसको दो विसल हाई फ्लेम पे करने का। फिर उसके बाद जब कुकर एकदम 10 मिनट रेस्ट करके, बाद में पोटैटो निकाल के उसको स्किन पील कर लेना, और उसके बाद ये आलू को 3 से 4 घंटे आप फ्रिज में रख दो। मतलब आपको शाम को फ्रेंच फ्राइज बनाना है तो बॉईल करने का प्रोसेस आप सुबह में ही कर दो, तो शाम को बहुत अच्छे से आपके फ्रेंच फ्राइज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आलू को ऐसे छन्नी में डाल के थोड़ा रगड़ लीजिए, जो जिसकी वजह से एक्सेस कॉर्नफ्लोर होगा ना वो नीचे चला जाएगा। फ्रेंड्स, अभी ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो हम उसमें फ्रेंच फ्राइज रखेंगे। फ्रेंड्स, अभी ये फ्रेंच फ्राइज गोल्डन ब्राउन होने को है, अब ये हम निकाल लेंगे और बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी ऐसे ही ड्राई कर लेंगे। देखो, इसकी आवाज से ही आपको पता चल रहा है कि मेरे फ्रेंच फ्राइज कितने क्रिस्पी हुए हैं। ये देखो, मेरे फ्राइज अभी रेडी हो गए हैं, उसमें मैं पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल करती हूँ। फ्रेंड्स, चिल्ड्रन डे स्पेशल कॉम्बो की हमारी, जिसके लिए मैंने ये बॉल में पिज़्ज़ा चीज, चीज़ क्यूब, वो दोनों डाल, एक चीज़ क्यूब लिया था और 2 चम्मच जितना मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया था, उसमें टोमेटो सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और ओरिगानो, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, वो डाल के अभी मैं पूरा उसको मिक्स कर दूँगी। अभी उसके बाद हम ये टॉपिंग बिस्किट पे रख के उसको माइक्रो करेंगे। अगर आप उसके साथ ऊपर कैप्सिकम भी रखना चाहते हो या उसमें और कोई वेजिटेबल्स डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो। फ्रेंड, ये चीज़ का जो मिक्सर हमने रेडी किया था वो ये अब हम बिस्किट पे रख देंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा कैप्सिकम का टुकड़ा रख देंगे। ये हमारा बिस्किट बाइट्स रेडी हो गया है, तो आप ये पैन में, नॉनस्टिक पैन में भी कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे को बहुत अच्छे लगेंगे तो आप ये जरूर ट्राई करना, और ये बहुत इजी है, उसमें आपको ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करना है और ये इजीली हो जाएगा। अब मैं इसके लिए माइक्रो कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये अप्पम डोरा केक है, उसमें देखो मैंने बीच में होल कर दिया है और इसके अंदर मैं चॉकलेट सॉस पोर करूंगी। फ्रेंड्स, ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने ये 1 ग्लास चिल मिल्क लिया है, जो पहले से शुगर डाला हुआ है उसको मैं पहले ऐसे ही चर्न करूंगी जिससे दूध में झाग आ जाएगा, उसके बाद मैं ओरियो बिस्किट डालूंगी। देखो फ्रेंड्स, कितना सारा झाग आ गया। अभी मैं उसमें ओरियो बिस्किट का जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था वो डालूंगी।
मैं उसको फिर से चंद करूँगी। ये एक मग था जिसको मैंने फ्रीजर में रखा था और उसके अंदर चॉकलेट सॉस पोर करके देखो ये ऐसे मैंने रेडी किया है। अभी उसमें मैं ओरियो मिल्क शेक डालूंगी। और दो बिस्किट के बहुत से छोटे से पीस करके मैं अंदर डाल दूंगी। जो बाइटिंग में बहुत अच्छा केक के बीच में हम ये चॉकलेट सॉस पोर करके उसको स्प्रेड कर देंगे। और उसके ऊपर ये हमारा दूसरा डोरा केक रख लेंगे। फ्रेंच चिल्ड्रन डे स्पेशल कॉम्बो मैंने रेडी कर दिया है। फ्रेंच फ्राइज है, डोरा केक है, बिस्किट बाइट्स है और ओरियो मिल्क शेक है। आई होप के सभी बच्चे को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज़ मैं मॉम्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चे को खिलाए। और हैप्पी चिल्ड्रंस डे तो ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फ्रेंड मेरी ये रेसिपी को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।